जी हाँ, आज असेंबली इलेक्शन के लिए 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक दिया 10 साल के बाद। लेफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें आज भी वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों में काफी उत्साह है, अभी सवेरा ही काफी तादाद में लोग वोट डालने आए हैं। अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर मैंने वोट डाला तो करीबन करीबन 90 के करीब उसमें वोट डाले हैं, मेल एंड फीमेल 52, तो अच्छी खासी रफ्तार है। और जो 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 टाइम बढ़ेगा तो उतने ही लोगों का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय रहेगा लोग वोट डालने के लिए। इंतजाम ठीक है, अच्छे हैं इंतजाम, बिल्कुल अच्छे, पीसफुल पोलिंग हो रही है, कोई ऐसी शिकायत किसी को नहीं है। परसेंटेज आई थिंक इट शुड बी मोर देन 75%, क्योंकि लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी 72% पोलिंग हुई थी हंदवाड़ा में, तो इट शुड क्रॉस दैट और ये एक रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में तमाम ये सारे ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कोपारा में एक रिकॉर्ड होगा हंदवाड़ा इस पोलिंग स्टेशन पर। उम्मीद है तो बहुत है, लोगों को एक हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, अपनी हुकूमत खुद करेंगे। इस वक्त जो भी हमारे यहाँ पर हुक्मरान है दे आर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, और अच्छी बात है कि यहाँ के लोग को पता है यहाँ के मुश्किल क्या है, परेशान है क्या लोगों की, वही अगर सरकार में आएंगे तो अच्छी बात है। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई गेन, आपने तो उसका मुजाहरा परसों भी देखा जब यहाँ पर लास्ट दिन 29 को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो लोगों ने अपना फैसला उसी वक्त सुना दिया।